प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे जी तो बिल्कुल चारों दिशाओं से मृत्यु है, बचे तो बचे कैसे। कई बार हमें मृत्यु का डोर अपने आप आ जाता है, कभी हम कुछ हादसा देख लेते हैं, कभी हम महामारी देख लेते हैं, या हम कुछ ऐसा सुन लेते हैं, अरे ये बीमारी मुझे तो ना हो जाए, ये डर होता है। या कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि लाइफ पे अपने आप डर आ जाता है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, कभी हम न्यूज देख के हम डर डर बन जाता है, यानी कि लाइफ में मृत्यु का डर आता है। और हो सकता है कि आपको लगे, अरे पाशा जी वो ऐसा हो रहा है, अरे वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ एक्सीडेंट जा रहा है, यानी कि चारों तरफ अगर मृत्यु भी है और हमें ज़्यादा खबर सुनने को मिल रही है, तब भी हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का एक वादा है। पहले प्रार्थना करेंगे सुबह के लिए। धन्यवाद करते पिता, जब ये लोग सुन रहे, अगर इनकी लाइफ में कोई भी डर काम कर रहा है जो शैतान की ओर से है, तो आज आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो वाक्य में शैतान डर लेके आता है, अरे तू भिंडी मत खा, इससे लोग बहुत मर रहे हैं, अरे तू चाय मत पी, इससे लोग बहुत मर रहे हैं, अरे तू ऐसा मत कर, इससे लोग बहुत मर रहे हैं। और आपको फिर यही न्यूज आएगी, अरे वो सुबह मॉर्निंग हो गया तो उसको अटैक आ गया, अरे उसने ऐसा करा तो ऐसा आ गया, एक मृत्यु का डर आता है। दूसरा, कई बार हमारे चारों तरफ एक अजूबो गरीब चीज आती है, एक्सीडेंट का दौर आता है, जैसे परमेश्वर ने कहा कि यह हफ्ता संकट भरा है ना। अब लगेगा अरे मैं बाहर ना जाऊं, अरे ऐसा ना हो, अरे वहां बहुत लोग मर गए, अरे ऐसा है, जैसे महामारी का आया था, कितने खतरनाक था, बेरोजगारी का आया था, वो भी एक श्राप है, यानी कि जब बेरोजगारी आती है तो लगता है कि हम क्या खाएंगे क्या पियेंगे, और उस समय मृत्यु का डर आता है। तो परमेश्वर कहता है अगर लाइफ में सब कुछ हो, यानी कि सब कुछ हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, या कहीं महामारी आ रही है, क्योंकि परमेश्वर एक वचन दिया है, उस वचन को अगर हम पकड़ लेंगे तो यकीन मानना हमारे पास कभी डर नहीं आएगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है 91, भजन संहिता 91 लिखा है, 7 का वचन, भजन संहिता 91:7, तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी 10 जा करेंगे, यानी कि तू हजारों को देखेगा, 10,000 गिरते हुए देखेगा, परंतु वे तेरे पास ना आएगा, मृत्यु का डर तेरे पास ना आएगा। अगर आपका ऐसा लग रहा है, अरे मेरी बेटी बाहर जाती है, मेरे बेटे बाहर जाते हैं, यानी कोई भी डर है, तो परमेश्वर का वादा है कि तेरे पास ना आएगा। आज हो सकता है कि डर आपको सता रहा है, कोई डर आपकी लाइफ में आ चुका है, मृत्यु का डर आ चुका है। वचन कहता है तेरे निकट 1,000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, यानी कि अगर कोई भी महामारी कोई भी आएगा, कोई वहां 1,000 गिर रहे हैं, कोई वहां 10,000 गिर गए, लेकिन परमेश्वर कहता है तू छू नहीं पाएंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का वादा है, परंतु तेरे पास ना आएगा। और प्रभु कहता है कि तू अपने आप को दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। तो मेरे जीजो वाक्य में प्रभु महान है, तो मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, वही मृत्यु से बचाता है, वही मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज आपने लोगों के दिल को आराम दिया, शांति किया, जो डर का माहौल था दूर किया, मैं विश्वास करता हूँ। डर जो नेगेटिव होता है वो शैतान की ओर से आता है, और आप ऐसे हर्ष करने वाली आत्मा को, उसके डर को, उस प्लानिंग को कैंसिल कर रहे हो, आउट इन जीसस नेम, कैंसिल इन जीसस नेम, बिकॉज फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आज की सुबह सबके लिए आशीष कारण हो, सुपर ब्लेस हो, इस वचन प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष।